बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। हम बात कर रहे हैं सूर्य देव के राशि परिवर्तन के बारे में, और हमने आपको बताया कि सूर्य देव के राशि परिवर्तन का देश और दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब आपको बताते हैं कि सूर्य देव के राशि परिवर्तन का अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगले एक महीने तक अलग अलग राशि के लोगों को किन बातों का ध्यान रखना है। शुरुआत सबसे पहले कर लेते हैं मेष राशि से। मेष राशि, महत्वपूर्ण काम आपके इस समय रुक सकते हैं। इस समय आपको ज्यादा प्रयास करने की जरूरत है, क्योंकि इस समय जरा सी लापरवाही से आपके बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। और अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, तो शिक्षा और प्रतियोगिता के मामलों में आपको इस समय सावधानी बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि यहां पर लापरवाही करने से शिक्षा में, प्रतियोगिता में असफलता आपको मिल सकती है। वृषभ राशि, इस समय अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा, खास तौर से अपने लंग्स का, अपनी छाती का, अपने फेफड़े का ध्यान रखना आपके लिए जरूरी होगा। और महत्वपूर्ण काम अभी एक महीने के लिए रुक सकते हैं, कुछ समय लग सकता है, प्रयास जारी रखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रयास छोड़िए, लेकिन मेंटली इस बात के लिए तैयार रहिए कि अभी सफलता पाने में थोड़ा वक्त आपको लग सकता है। मिथुन राशि, सूर्य के राशि परिवर्तन से आपको लाभ होगा। आपकी आर्थिक समस्याएं और आपके करियर की समस्याएं निश्चित रूप से हल होंगी, पैसे की प्राप्ति होगी, और करियर में जरा भी कोई दिक्कत है तो वो दिक्कत दूर हो जाएगी। और इस समय अगर आप कोशिश करते हैं तो आपको आपका रुका हुआ धन, रुका हुआ पैसा प्राप्त होगा। कर्क राशि, सूर्य के राशि परिवर्तन का सीधा प्रभाव आपके फैमिली मैटर्स पर पड़ेगा, इसलिए पारिवारिक मामलों में सावधानी बनाए रखिएगा। पति पत्नी के संबंधों का, पिता पुत्र के संबंधों का ध्यान इस समय ज्यादा रखना है, और मानसिक तनाव और आंखों का भी ध्यान रखना है। बेवजह की चिंता, बेवजह का तनाव हो सकता है, आंखें आपकी खराब हो सकती हैं, उस पर ध्यान बनाए रखना जरूरी है। सिंह राशि, आंखों और हड्डियों की समस्या से इस समय आपको बचना चाहिए, क्योंकि सेहत को लेकर के ये समय परेशानी दे सकता है। और अगर आंखों में जरा भी दिक्कत होती है या हड्डियों में जरा भी परेशानी होती है तो डॉक्टर से संपर्क करिएगा, लापरवाही मत करिएगा। और परिवार में इस समय थोड़ी सी उलझन, थोड़ी सी समस्या पैदा हो सकती है। अगर आप पारिवारिक मामले में शांति बनाए रखें, चुप रहें, शांत रहें, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कन्या राशि, आंखों और हड्डियों की समस्या का आपको ध्यान बनाए रखना है, क्योंकि आपकी आंखों में भी, आपकी हड्डियों में भी इस समय समस्या हो सकती है। हालांकि सिंह राशि जितनी ज्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत समस्या आपको परेशान कर सकती है। अगर आप अभी करियर के मामले में लापरवाही करने लगे, पैसे रुपए के मामले में लापरवाही करने लगे, तो आपकी नौकरी जाएगी। इसलिए करियर के मामले में लापरवाही मत करिए, पैसे के लेन देन में सावधानी रखिए, पैसा संभाल कर रखिए, नहीं तो आपका पैसा गायब हो सकता है, धन के बड़े नुकसान में आप पड़ सकते हैं। तुला राशि पर सूर्य के राशि परिवर्तन का कैसा असर पड़ेगा? तुला वालों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन अच्छा है, और आपके करियर में इस समय बड़ा बदलाव हो सकता है, और ये बड़ा बदलाव आपके लिए लाभकारी होगा, फायदेमंद होगा। पुरानी समस्याएं आपकी इस समय हल होती चली जाएंगी, पुरानी समस्याएं आपकी दूर होंगी, इसलिए इस समय अपने महत्वपूर्ण काम निपटाने का प्रयास जरूर करना चाहिए। वृश्चिक राशि, करियर में किसी भी तरह की रुकावट थी, इस समय आप कोशिश करके देखिए, करियर में आपके तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे,
तमाम चीजें आपकी रास्ते पर आएंगी। ताकत लगाइए, करियर में फायदा जरूर होगा। धन और कर्ज की जो बाधाएं हैं वो भी आपकी दूर होंगी। यानी इस समय, इस एक महीने में आपको पूरी कोशिश करनी है, पूरा प्रयास करना है अपने जीवन को रास्ते पे लाने के लिए, और इस समय अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको लाभ जरूर होगा। धनु राशि, आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य इस समय बिगड़ सकता है, जीवन साथी की सेहत खराब हो सकती है, उसका थोड़ा सा ध्यान आपको बनाए रखना होगा। और ऑफिस में आपके जो कलीग हैं, आपके जो सहयोगी हैं, सहकर्मी हैं, उनके साथ बेवजह के विवाद हो सकते हैं, इसका भी ध्यान बनाए रखिएगा। ऑफिस में विवादों से बचाव करना आपके लिए जरूरी होगा। तो धनु वालों के लिए सूर्य के राशि परिवर्तन से थोड़ा सा तनाव दिख रहा है, इसलिए सावधानी बनाए रखना आपके लिए जरूरी रहेगा। मकर राशि, सूर्य के राशि परिवर्तन से आपकी सेहत बिगड़ सकती है और आप बेवजह दुर्घटनाओं के शिकार हो सकते हैं। इस एक महीने में अपने स्वास्थ्य का और चोट चपेट का बहुत ध्यान रखिएगा। करियर में कोई बड़ा निर्णय इस समय मत लीजिएगा, क्योंकि करियर में इस समय अगर आप कोई बड़ा निर्णय लेते हैं ट्रांसफर के लिए या कहीं पर अप्लाई करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो मामला आपका बिगड़ सकता है। इसलिए अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए और करियर के मामले में जोश में आने की जरूरत नहीं है आपको। कुंभ राशि, स्वास्थ्य की स्थिति मध्यम है और मन में कहीं ना कहीं चिंताएं परेशानियां भी चल रही हैं, तो स्वास्थ्य का और मन का अपने बहुत ध्यान बनाए रखिएगा। रिश्तों में, खास तौर से जो नजदीकी रिश्ते हैं, भाई भाई के रिश्ते हैं, माता पिता के रिश्ते हैं, पति पत्नी के रिश्ते हैं, उसमें थोड़ी समस्या आ सकती है। उन समस्याओं का आपको बचाव करना चाहिए, उन समस्याओं का ध्यान देना आपके लिए जरूरी होगा। मीन राशि, सूर्य के राशि परिवर्तन से आप देखेंगे आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपका तनाव बहुत हद तक कम होगा, टेंशन्स आपके दूर होंगे। और करियर में अगर आप कोई बड़ी सफलता चाहते थे, कोई परिवर्तन चाहते थे, या नए करियर की शुरुआत चाहते थे, या आपने कोई इंटरव्यू दिया था उसमें आपको सफलता चाहिए थी, तो इस समय आपको करियर में लाभकारी सफलता मिलेगी, ये संभावना आपके लिए जरूर दिखाई दे रही है। अब ये जानते हैं कि अगर सूर्य देव का राशि परिवर्तन आपकी राशि के लिए अच्छा नहीं है, मेष राशि है, वृषभ राशि है, कर्क है, सिंह है, कन्या है, ठीक है, वृश्चिक है, धनु है, मकर है, तो इस तरह की राशियों के लिए स्थितियां बहुत अच्छी तो है नहीं। क्या उपाय करें कि सूर्य के राशि परिवर्तन से आपको दिक्कत ना हो? पहला काम ये करिए कि रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। सुबह और शाम दोनों समय सूर्य देव के मंत्र का जप करिए, ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। सुबह और शाम 108 बार इस मंत्र का जप करिए और हर रविवार को किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ का दान करिए। निर्धन व्यक्ति नहीं मिलता है, मंदिर में दे दें या गाय को खिला दें तो भी आपको लाभ जरूर होगा। तो देखिए, सूर्य अपनी राशि में प्रवेश करने वाले हैं और अपनी राशि में गया हुआ सूर्य आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता सामान्यतः, लेकिन आप उससे फायदा उठा सकें और सामान्य रूप से आपको दिक्कतें ना हो, इसके लिए सूर्य भगवान को जल चढ़ाने से और सूर्य देव का मंत्र जप करने से आपको विशेष लाभ जरूर होगा।